क्राइम कंट्रोल का दावा करने वाली गोरखपुर पुलिस का असली चेहरा आज एक विधवा ने पर्दाफाश करते हुए मीडिया के समक्ष अपना दुखड़ा सुनाया, जिसमें उसके पति की हत्या 7 माह पूर्व की जाती है, लेकिन आज तक हत्यारों के खिलाफ मुकदमा न तो दर्ज हो सका, अलबत्ता बेवा अपनी और अपने अबोध बच्चे की जान बचाने में एड़ी चोटी एक किए हुए है। थाना बढ़लगंज क्षेत्र के कस्बे के रहने वाले वेद प्रकाश की हत्या उसके ही भाई और भाभी ने 7 माह पूर्व कर लाश का जैसे तैसे अंतिम संस्कार भी कर डाला। इतना ही नहीं, मृतक की पत्नी बबीता और उसकी छोटी बहन और अबोध बच्चे को कमरे में ही बंद कर दिया गया था। तत्कालीन आईजी जोन गोरखपुर के हस्तक्षेप के बाद मृतक की पत्नी और बच्चा मुक्त हुआ। बेवा बबीता ने बताया कि इन दिनों वह अपने पिता के पास रह रही हैं, लेकिन वहां भी दबंग धमकी देने पहुंच जाते हैं और आज भी जब पीड़िता अपने पति के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जाती हैं, तो उन्हें फजीहत कर भगा दिया जाता है। रात में बंदर चोर चोर मार बोल कर पीछे से मजूर मजूर तो आंसुवार मेरे पति के ऊपर के लिए तो भाग के बाहर आए। अब बाहर जेठानी है, मेरे जेठ और नौकर प्रकाश दोनों मिलकर कुर्सी में डाल कर मारे लोग। अब मारने के बाद भी फिर भी पीछे भागे तो वहाँ पीछे लोग भी मार के पीछे फेंक दिए थे। पूरा कमर उमर से लूज हो गए थे। पीछे के लोग को आवाज़ नहीं है तो डर की वजह से वो भी लोग नहीं आए, कहे कि हम नहीं आएंगे। फिर उन लोग को बुलाने आए, अरे हमको मार दिया, हम उसके पास नहीं जाएंगे, हमको भी जान से मार देगा। और उसके बाद उन लोगों को बंद बनाया गया। हाँ, हम लोगों को कमरे में बंद कर दिया गया कि जाओ कहाँ है ढूंढो ढूंढो कहाँ है। और पीछे आता था उस दिन जो उठ नहीं पाए तो कमर मार के तोड़ दिए थे पीछे से और सब पीछे फेंक दिए थे। तो ताला बंद भी था और कैसे भागता तो कैसे ताला खोल के भागता, पूरा मार के गड्ढा था, गड्ढे में डाल दिया गया। उसके चिल्ला रहे हैं कहाँ है कहाँ, उठ के बैठ जा रहे थे, उठ ही नहीं पा रहे। बहुत कोशिश करने पर आइए भैया आइए, तो आने पर तो लाद कर कमर उमर देखिए लूज हो गया था, पूरा यहाँ पर चोट वोट लग गया था, कोई छोर छोर था। और उसके बाद लाए यहाँ अंदर हम गए। क्यों ऐसा क्यों किया गया? जायदाद की वजह से, कि वो अपना जमीन में बेचने वाले थे, घर बेच के अपना कुछ करेंगे, लाइटिंग करवाने की वजह से कि अपना सब बंटवारा वाला सिस्टम करवा रहा है, जमीन जायदाद से इसकी वजह से। वो क्या चाहती है? हम चाहते यही है कि हमारे पति जो हत्या हुई लोग मारे हैं न्याय मिले, और जो मेरा संपत्ति मेरे बेटा का जो है वो हमें मिले। कौन कर रहा है? मेरे ननद लोग मिले, एक रुपया तुमको नहीं देंगे, कुछ नहीं है। मेरे जेठानी का इस घर में तुमको रखेंगे नहीं, इस घर खाली कर दो। पुलिस तुम्हारा सहयोग की है कि नहीं? पुलिस के पास गए हैं, गए तो सब उसने दिए। वहाँ क्या कह रही पुलिस? पुलिस ये कह रही है कि यहाँ पर मुकदमा दर्ज होगा तो करेंगे। वो लोग पैसा दे रहे हैं और ले ही नहीं रहे हैं, गिरफ्तार लोग कर ही नहीं रहे हैं। मुकदमा भी नहीं दर्ज किए? नहीं।